नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, आज मैं आपके लिए अलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और सीए के लिए जो आपके एक प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी प्रारंभ कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्या हमारे बेसिक रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारे दिमाग की परिपक्वता होनी चाहिए, हमारे अंदर भटकाव की स्थिति कहाँ तक हम भटक सकते हैं या हम कहाँ कैसे अपने भटकाव को कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारे विशेष बंधुओं पे चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं, लगातार कमेंट में मैसेज में बोल रहे हैं सर कैसे तैयारी करें। सबसे पहली बात कि इलाहाबाद हाई कोर्ट समय बहुत कम देता है और बच्चे इसलिए पैनिक है कि इतने कम समय में एक बार दोबारा कहीं अच्छा चांस निकल ना जाए। दूसरी बात यह है कि इस बार परीक्षा के साथ साथ ही 15 मिनट बाद टाइपिंग है, तो सारी बातों की हम विशेष चर्चा करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे अभी नए हैं, जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे आप सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पुश कर लीजिए, ताकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, स्ट्रेटजी, नोट्स या टेस्ट या फिर क्लासेस हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। हम लोग आज इस सेशन की विशेष चर्चा शुरुआत करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट। जैसा कि आप आयोग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, समय बहुत कम देता है, पहले तो ये रेगुलर परीक्षा होती नहीं थी, लेकिन पिछले 3 सालों से 2019 का देखा जाए, 20 का देखा जाए और उसके बाद 21 का देखा जाए, तो 18, 19, 20, 21 लगातार इन 4 सालों में तीसरी बार ये परीक्षा करवाने जा रहा है। और ये परीक्षा समय एकदम नहीं देता है, जब एग्जाम का लास्ट डेट होता है तो उसके 1 महीने के अंदर आपका पेपर भी कंडक्ट करा लेता है। ऐसे में हमारे पास एक क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारे पास क्या एक मटेरियल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें हथियार चाहिए। हथियार यानी कि हमारे पास किताबें, हमारे पास नोट्स, हमारे पास अध्ययन सामग्री होनी चाहिए और वो भी बहुत ही ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज होनी चाहिए। कहाँ से प्राप्त करेंगे, इन सारी बातों को हम यहाँ पे आज लेके बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो बोलते हैं ना कि कोई आप बहुत काम करने जा रहे हो, कोई आप 10 मिनट का काम कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आप आधे घंटा उस पर रिसर्च करो, वो ज़्यादा बेटर होता है, ताकि वो 10 मिनट का काम आपका 10 मिनट में बहुत अच्छे से, बहुत सुचारू तरीके से हो जाए। और इसी रणनीति पे पूरी टीम परीक्षा प्लस इवन मैं विश्वास करता हूँ, और इसी विश्वास के साथ हम लोग बहुत अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, ये सेशन ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये रणनीति आपको यही यही फॉलो करनी है, नहीं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। अभी ये आपका जो रास्ता है, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बिंदुओं को समझना होगा जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे हम सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे, नो डाउट अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें, हम उनके प्रश्नों को देखें, वो चाहे आरओ का पेपर हो, पिछली बार आरओ और सीए एक साथ करा लिया गया था, एआरओ अलग हुआ था, लेकिन अभी तक क्या होता था, अभी तक इलाहाबाद का जो आयोग था वो खुद ही पेपर कंडक्ट कराता था, खुद ही अपना पेपर वगैरह सेट करवाता था इधर उधर। लेकिन इस बार क्या है, इस बार एक अलग से ही एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है पूरा इसका भार। और एनटीए ये वही संस्था है, गवर्नमेंट की स्वायत्त संस्था है, जो विभिन्न परीक्षाओं को, जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, सीबीएसई जैसे एग्ज़ाम होते हैं, तमाम इन एग्ज़ाम या फिर आपका एनडीए सीटीज, इन सभी एग्ज़ाम को कौन कराता है, एनटीए ही करा लेता है। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी एजेंसी है, खुद का इसका सॉफ्टवेयर होता है, खुद की आईटी भी इसका है, खुद ये पेपर भी डेवलप कर लेता है, सब कुछ करता है, तो सब कुछ एनटीए के अंदर है। तो जब हम किसी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं तो हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि आखिर जिसके साथ हमारा मुकाबला होने जा रहा है वो किस प्रकार का है। आप युद्ध लड़ने जाओगे तो आपको अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी आपका एक युद्ध है जहां पे परीक्षा एजेंसी आपके दुश्मन है, उस दुश्मन से लड़के आपको परीक्षा को क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है और अपने झोली में एक पट डालना है और नौकरी अपने हाथ में लेनी है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके होने के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही सोची समझी रणनीति, बहुत ही ज़्यादा दिमाग की परिपक्वता, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि हमें वो सोचना चाहिए जो एक पेपर सेट करने वाला सोच रहा होगा। अभी पीईटी में हम लोग बहुत सारे ऐसे थे जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फंसा दिए, बहुत सारे बच्चों के आप रिस्पांस देखे भी होंगे, कितना ज़्यादा वो खुश है, कितना कंटेंट उनके लिए लाभदायक रहा है, तो ये बहुत बताने वाली बात नहीं है, बच्चे खुद बता देते हैं जब उनका सिलेक्शन होता है, जब वो पेपर अच्छा करके आते हैं कि एग्जैक्टली टीम परीक्षा प्लस में कितना दम है, इसकी कितनी डीप एनालिसिस होती है, कितना ज़्यादा किसी चीज़ पर रिसर्च करके फिर कोई कदम या फिर कोई बात सामने आपके लेके आती है।
सिलेबस नो डाउट बड़ा है, सिलेबस में सामने ही आपके लेके आया हूँ, 13 पॉइंटों में सिलेबस है। सिलेबस की चर्चा हम ऐसा पॉइंट टू पॉइंट आज नहीं करेंगे, बस इतना मैं आपको बताऊंगा कि 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट में सारे के सारे सामान्य अध्ययन और तीन अलग विषय, जिसमें एक आपका कंप्यूटर है जो 20 क्वेश्चन पूछेगा, एक आपका इंग्लिश है जो बड़ा सबसे बड़ा पोर्शन है 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश की तैयारी के लिए एकदम परेशान मत हो, उसके लिए तो मैं हूँ, और मैं बताऊंगा भी कैसे आपको कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा अभी इसके आगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा समझो 50 क्वेश्चन आपकी, 50 क्वेश्चन केवल आपका इंग्लिश लेके जाएगा, 20 क्वेश्चन आपका केवल कंप्यूटर लेके जाएगा, और एक अलग सा विषय रीजनिंग है वो भी 15 आएगा। अभी तक रीजनिंग पूछता था, इस बार रीजनिंग प्लस मैथ के पूछे जाने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है, ये बात आप कान खोल के सुन लो। शुरुआत में आप लोग बात समझते नहीं और बाद में पछतावा होता है आपको कि सर आप जो बोल रहे थे वो एग्जैक्टली सही बोल रहे थे। ये जो अलग है इन्हें अगर देख लेते तो 50, 20, 70 और 80 85 क्वेश्चन केवल और केवल यही आपके यहाँ पे लेके चलते हैं, जो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के सब्जेक्ट हैं जो एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे SSC की बात कर लिया जाए, जैसे बैंकिंग एग्जाम की बात कर लिया जाए, वो बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरने वाले बच्चे कौन से ज्यादा हैं? फॉर्म भरने वाले बच्चे सिविल एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सेवा क्षेत्र की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जैसे आप UPPSC की बात कर लो, आप RO, ARO, UPPSC की कर लो, या अन्य कोई ऐसी परीक्षा कर लो, या अधीनस्थ की कोई बड़ी परीक्षाएं कर लो, वो बच्चे यहाँ पे ज्यादा है जिनके पास OLEVEL, CCC या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। कहने का मतलब जो एलिजिबल है वो यहाँ पे आराम से फॉर्म भरते हैं, और वो अपने लिए एक सीट यहाँ पे देखते हैं क्योंकि RO लगा है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पद यहाँ पे लगा हुआ है, सहायक समीक्षा अधिकारी का लगा हुआ है, और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट लगा हुआ है, तो नो डाउट कि ये एक ड्रीम जॉब होती है, सबसे कम समय में सबसे अच्छा वेतनमान, सबसे ज्यादा रेपुटेशन, सबसे कम वर्कलोड, सब कुछ देखा जाए तो जॉब प्रोफाइल के बारे में आशीष सर ने वीडियो दी है, जिन्हें देखना है वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां से देख सकते हैं। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना चर्चा करेंगे कि यहां पे जो एस्पिरेंट है वो सिविल वाले हैं, वनडे वाले हैं लेकिन नाम मात्र है। अब कंपटीशन का फेज में आपको समझा रहा हूं, जो ये हैं उनके झोली में 85 क्वेश्चन है और आपके झोली में या सिविल वाले बच्चों के झोली में 115 क्वेश्चन है, लेकिन इधर आप इधर का स्कोर करना ज्यादा आसान होता है बजाय इसके, बहुत ज्यादा, क्योंकि सिलेबस वास्ट होता है। चाहे आप साइंस बोल लो, साइंस के तीन पोर्शन होंगे, आपका जीव विज्ञान होगा, आपका रसायन विज्ञान होगा, आपका भौतिकी होगा, कुछ पता नहीं किस पोर्शन से ज्यादा पूछेगा, इतिहास होगा, इतिहास में दो विषय इसने खुद ही डिपिक्ट कर दिया है, एक आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक अलग से 1857 के बाद से प्रश्न होता है, और उसके बाद से 1857 1707 लेके मॉडर्न वाला पार्ट अलग करता है, 1707 से पीछे हम मुगल और दिल्ली सल्तनत में जाएं तो मिडिवल वाला पास 700 के आसपास उधर करता है, और उसके पहले एंशियंट, मतलब कि देखा जाए तो चार पोर्शन में डिवाइड करता है, एंशियंट, मिडिवल, 1707 तक मॉडर्न, और 1707 के बाद का मॉडर्न, चार पोर्शन में, तो ये भी आपका वेस्ट पड़ जाता है हिस्ट्री, और क्वेश्चन भी इससे 1718 तो आराम से बनेंगे ही बनेंगे। मैं बता दूं जो सिलेबस आपका इतना बड़ा है, पेपर, एक चीज दिमाग में रखिएगा, पेपर बहुत बैलेंस्ड आने वाला है, बहुत ही बैलेंस्ड पेपर आने वाला है, मतलब आप ऐसे समझो कि 200 क्वेश्चन में से इन 85 क्वेश्चन को निकाल दो तो 115 क्वेश्चन में से जितने आपके टॉपिक बच रहे हैं, 10 टॉपिक बच रहे हैं, यानी ऑन एवरेज 11.5 क्वेश्चन प्रत्येक विषय से। अब इस इतिहास जैसे विषय ज्यादा है तो वहां पे 14-15 क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर कोई विषय छोटा है जैसे आपका राज व्यवस्था हो गया, क्योंकि इतिहास के मुकाबले काफी छोटा है, तो वहां से आपके 10-11 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था, राज व्यवस्था के 2-3 प्रश्न पूछे, लेकिन वो पेपर बनाने वाले की गलती थी, हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि पेपर बनाते समय उसने राज व्यवस्था को भूल ही गया कि मैं यहां पे क्वेश्चन डालूं या ना डालूं, वो डालना ही भूल गया, बाद में उसे याद आया कि यार राज व्यवस्था से तो टॉपिक नहीं डाले, फिर 3-4 क्वेश्चन इधर उधर से डिलीट किए, जहां पे पाए वहां पे 3 क्वेश्चन राज व्यवस्था का पेस्ट कर दिए। अब पेपर को देखोगे तो ये बात साफ साफ वहां पे दिखती भी है कि इतिहास के एक साथ मिलेंगे, भूगोल के एक साथ मिलेंगे, अर्थव्यवस्था के एक साथ मिलेंगे, साइंस के एक साथ मिलेंगे, लेकिन जो आपका राज व्यवस्था के प्रश्न है वो कहीं इतिहास के बीच में एक प्रश्न मिल जाएगा, कहीं आपकी अर्थव्यवस्था के बीच में एक प्रश्न बन जाएगा, कहीं आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बीच में एक प्रश्न मिल गया था, तो उससे ये पता चलता है कि उस पेपर बनाते समय वो राज व्यवस्था भूल गया था, बाद में जैसे तैसे 3 प्रश्न ऐड किया, तो वो पिछली बार गलती थी, लेकिन इस बार आपकी परीक्षा NTA करा रही है, और NTA
जब जहां पे सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि गंभीर एजेंसी है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर दायित्व है और लगातार सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं सुचारू तरीके से बहुत ही सामंजस्य से कराती आई है और ये परीक्षा भी अब आपकी समझ लीजिए एनडीए सीडीएस लेवल की परीक्षा हो गई है। एनडीए सीडीएस लेवल की परीक्षा एक बात से और हो गई है क्योंकि यहां पे अंग्रेजी 50 क्वेश्चन है। अभी मैं बताऊंगा कि एससी आरओ में एनडीए सीडीएस का क्या रोल है, बहुत इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये कीवर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बारे में बताऊंगा, वो पूरा वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक ही चीज समझाने का प्रयास करता हूं। अभी इस सिलेबस को देखें तो ये आपका वही आरओ वाला सिलेबस है, यूपीपीएससी वाला ही सिलेबस है, सिमिलर सिलेबस है, कोई चेंज खास नहीं है। जैसे आपका इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर बीओ वाला सिलेबस अगर आपको याद हो एग्जैक्टली ऐसे लिखा था, है ना, पर राज व्यवस्था के साथ इकोनॉमी और कल्चर, ये कल्चर इतिहास वाला कल्चर नहीं है, लेकिन जो प्रश्न बनते हैं वो इतिहास वाले ही कल्चर से प्रश्न बनते हैं, इससे टॉपिक से क्वेश्चन खास नहीं बनता है, वो जो कल्चर होगा वो इतिहास का ही होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन होती है कल्चर क्या है, ये कल्चर हमारी आज की संस्कृति है या कल्चर हमारा पुरानी संस्कृति है, दोनों में डिफरेंस हमें समझना है। इंडियन एग्रीकल्चर कृषि सामान्य सा है, कॉमर्स एंड ट्रेड ये आपके करंट के टॉपिक है, कॉमर्स एंड ट्रेड आपका अलग कोई नहीं है, ये आपका करंट का टॉपिक है। पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ना ही पूछेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉपुलेशन मतलब सेंसस, सेंसस से पूछेगा क्वेश्चन, इस लाइन का कहने का मतलब सेंसस है, और इकोलॉजी वाला पोर्शन ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट के साथ लगा हुआ है, ये बात आप समझिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को उसने अलग से कहीं नहीं लिख के रखा है, उसने लिख दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और जो इकोलॉजी है वो इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे आ जाएगा। करंट है ये रीजनिंग है, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग ये यूपी है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन का यूपी की बात कर रहा है, और ये आपका क्या बोल रहा है, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है, और यहां पे इंग्लिश 50 है, हिंदी 10-12 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर के भी ऐसे 10-12-15, वैसे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का पिछली बार पूछा था, तो 20 क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यही पैटर्न हो। पहली बात तो प्रेजुडाइज नहीं करना है, पूर्वाग्रह नहीं बनाना है कि 50 ही प्रश्न अंग्रेजी के पूछेंगे, लेकिन 90% हमारा झुकाव यह होना चाहिए कि अंग्रेजी 50 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये बात हमारे आप टेस्ट सीरीज में देखोगे, हमारे जब कोर्स में देखोगे, पढ़ाएंगे टीचर तो आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम वहां पर चर्चा करेंगे। तो सिलेबस आपका बेस्ट है, सिलेबस बेस्ट है, यहाँ पे दो बातें हमें समझ में आई है कि सिलेबस बेस्ट है, तो हमें बहुत ही बैलेंस स्टडी करनी है, बहुत ही बैलेंस प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग और उसे हटा दूं तो सभी से ऑन एवरेज 12-15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर बार पूछा था, इस बार भी पूछा जाएगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। और जब बैलेंस होता है तो यहाँ पे दो चीज आप बात समझना, यही भी मैं चर्चा कर लेता हूं, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो चर्चा करूंगा मैं मेरिट की। अगर हम प्रीवियस एग्जाम की बात करें जो अलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवाया, मेरिट हमेशा 140-150 की, और 140-150 200 में लगभग ये 75% गया, 75% मतलब कट ऑफ गई, मतलब लीस्ट सिलेक्टेड बंदा जो है वो कितना नंबर पा रहा है, वो 75% स्कोर कर रहा है, और जो ऐसा बंदा जो टॉपर है वो कितना पा रहा है, वो 85% नंबर लगभग पा रहा है। अभी भी 15% आपके बच रहे हैं, ये बात समझिएगा, ये 15% कोई नहीं पाएगा, भगवान के घर से कोई यहाँ पे ऐसा समझिए कि वरदान प्राप्त करके नहीं आया है, ना ही कोई यहाँ पे ऐसा बोलिए कि कोई यहाँ पे रूप धारण किया है, सभी लोग माँ की कोख से पैदा हुए हैं और सभी लोग इंसान ही है, ह्यूमन एरर होती है, कोई भी परीक्षा हो 5-10% ह्यूमन एरर होती है, समझिएगा 10% ह्यूमन एरर होती है, 10% कॉमन एरर होती है, जो आप क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाते हो, 20% क्वेश्चन आपके ऐसे गलत हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन आपके 200 में ऐसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है, इसलिए इस वेटेज को थोड़ा सा ये बढ़ा देता है। कहने का मतलब अगर आपकी 20% गलती हो रही है तो कई बार अगर किस्मत साथ रहा तो तुक्का लगने के बाद, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ये 20% को रिड्यूस करके 15% ही रख देता है, बट आपसे 15% गलती होगी और ये वही 15% है जो 85% टॉपर पा रहा है। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अभ्यर्थी जो बहुत ही साउंडली पढ़ा है, बहुत ही अच्छी तैयारी उसकी, सारी किताबें पढ़ा है, 2-3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो भी 85% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। डिफरेंस कहां क्रिएट हो रहा है, 10% में, आपको इस 10% के अंदर आना है, 75% से 85% के अंदर आना है, तभी आप ये दिए हुए 400 पोस्टों में से कोई ना कोई एक पद आप पाओगे और आपको नौकरी मिलेगी। तो ये जो 10% की फाइट है, पूरा का पूरा कंपटीशन यहीं पे लगा हुआ है, सारे लोगों को यहीं पे लाई होना है, वरना क्या करोगे, बाहर हो जाओगे, और भले बात कड़वी लगे लेकिन यही सच्चाई है कि आपको बहुत बैलेंस स्टडी करना है। लेकिन बैलेंस स्टडी करना है, हमारा सिलेबस भी बहुत ज्यादा वेस्ट है, हम करेंगे क्या, फिर कहां से जाएंगे, तब आपके दिमाग में आता है।
जो आपके दिमाग में भटकाव की स्थिति आती है, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले दिमाग में आता है यार, देखते हैं मार्केट में एससी आरओ के लिए किताब कौन सी आई है, आरओ यारओ के लिए किताब कौन सी है। फिर आप मार्केट में निकल जाते हो, अपने घर से विचार बना के चलते हो, कोई किताब लेके आते हैं, किताब से थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, गाइड से थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, या आज के जमाने में आप विभिन्न यूट्यूब चैनल्स को आप सर्च करते हो सकता है हम तक भी आप किसी सर्चिंग में या किसी ब्राउज लिस्टिंग में आप कहीं देखोगे तो आप यहां तक पहुंचे होगे। लेकिन सत्यता कोई नहीं बताता। मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं इस बात बहुत कान खोल के सुनिएगा, और ये अंदर की बात बता रहा हूं, मैं उस इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं जिस इंडस्ट्री को मैं भी चला रहा हूं, जिस इंडस्ट्री में मैं भी एक पार्ट हूं। लेकिन सच्चाई ना किसी से छुपती है, ना भी बच्चों से छुपानी चाहिए, हकीकत है। जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप बुक स्टॉल पे जाते हो और किताबें मांगते हो, तो आपको दो तीन पब्लिकेशन तो तुरंत मिलती है। एक आपकी अरिहंत मिल जाएगी, एक आपके दिशा पब्लिकेशन मिल जाएगी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट इन सबका निकाल देगी, है ना, ये पब्लिकेशन सब कुछ निकालती है। दूसरी आपकी तीसरी आजकल यूथ बहुत मिल जाएगी, है ना, घटना चक्र मिल जाएगी। लेकिन अभी आप देखो तुरंत एक बात समझना कि वैकेंसी आए हुए कितने दिन हुए, एक सप्ताह पहले आई है, पेपर कब होना है, डेढ़ महीने बाद होना है। इतनी जल्दी कौन सा पब्लिकेशन कंटेंट बना के उसके लिए रखा है, नहीं, बिल्कुल नहीं रखता भाई। मैं आपको बहुत खरे शब्दों में समझा रहा हूं, चीजों के कवर चेंज होते हैं, कंटेंट चेंज नहीं होता। और जब तक आपको पता चलता है तब तक आप बहुत दूर तक निकल चुके होते हो, आपके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ये जो मार्केट में किताबें लेके आ रहे हो कायदे से, जो ये कंटेंट है, ये कंटेंट एएचसी आरओ के है ही नहीं, इनके पीछे एनालिसिस हुआ ही नहीं है, इनके पीछे कोई इतना आरएनडी वर्क हुआ ही नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर कोई देखा गया है, ना ही एजेंसी को देखा गया है, ना ही एजेंसी के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं जो कराई जाती हैं उनको देखा गया है, ना ही उनके प्रश्न के स्तर को देखा गया है। क्या देखा गया है कि यहां वाली किताब से उठा के यहां पे टीप दो और कवर चेंज कर दो, मार्केट में उतार दो, वैकेंसी आई है भाई साहब, ज्यादा नहीं 1 लाख कॉपियां बिक गई तो हमारा 1 करोड़ निकल आएगा, इस महीने का हमारा खर्चा निकल आएगा, ये चलता है पब्लिकेशंस में। यही आजकल के यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं, यही सत्यता है। कोई इतना जल्दी कंटेंट नहीं डेवलप कर पाता। अगर आप यहां पे प्रिपरेशन करोगे तो आप केवल और केवल आप हो जो केवल तैयारी कर सकते हो, अपने दम पे कर सकते हो। और लेकिन उस तैयारी को करने के लिए आपके पास मटेरियल कंसाइज होना चाहिए, आपके पास मैटर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास क्लासेस बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास अगर आप पहले से प्रो हो तैयारी करते हो तो टेस्ट सीरीज बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, बहुत ही एनालिसिस वे में होनी चाहिए। तो इन बातों को थोड़ा एनालिसिस पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे, वरना सेशन भी आपका ज्यादा हो जाएगा। हालांकि 5-7 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो इतना इशू नहीं, क्योंकि बहुत ही डीप चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का पूरा प्रयास यहाँ पे करने का करिएगा। एनालिसिस क्या है, देखो मार्केट में, तो पहली बात मार्केट में मत जाना, किताबों के चक्कर में मत रहना, गाइड मत खरीदना। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं भाई, आप स्वेच्छी को जाओ खरीदो, कोई अगर चाहता है कि मैं आग में कूद जाऊं तो कूद जाओ ना यार, मेरा क्या जा रहा है, मैं आपके जिंदगी भर का ठेका तो नहीं ले रखा हूं, मैं एग्जैक्टली नहीं ले रखा हूं, तो आप स्वेच्छी को आप जाओ, एग्जैक्टली नहीं समझ में रहे। लेकिन अगर आप इस उम्र पे हो, 24-25 साल उम्र है, तो मुझे लगता है कि आपको इतनी बुद्धि आ गई होगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका आप चेंज कर सकते हो, और एक रैशनलाइज्ड वे में, एक लॉजिकल वे में आप सोच सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसी परीक्षा में बैठने जा रहे हो जिसका कट ऑफ 75-80% के बीच में लाई कर रहा है, 200 क्वेश्चन देना है और आपके लिए यहां पर बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, तो ऐसे आप बचकानी हरकत नहीं कर सकते हो, तो ये वाला रोल आपको नहीं प्ले करना है। दूसरी बात, कोई भी ऐसे चलो मैं उसकी बात नहीं बोलूंगा, वो बात नहीं बोलूंगा, ठीक है, एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस में मेन क्या है जो समझना है, प्रिपरेशन आपको करनी है तो करना क्या है, हम इस पे आते हैं। मैंने आपको बोल दिया मार्केट से नहीं ले रहे हैं तो जल्दी लेगो कहां से भाई, कोई ऊपर से कोई किताब तो गिरेगी नहीं आपके लिए कि आप उसे पढ़ लो, नहीं, आपको ही रिसर्च करना पड़ेगा, आपको ही सर्च करना पड़ेगा क्या कंसाइज है। लेकिन उसके लिए आपको खुद की भी एक एनालिसिस चाहिए, एक हम लोग टीम परीक्षा प्लस तो आपके लिए बेस्ट एनालिसिस हमेशा लेके आती है, एक बहुत अच्छी रणनीति लेके आती है, लेकिन आपको खुद भी एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, एग्जैक्टली यहां पे आपको डूबना पड़ेगा, यहां पे आपको अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। एक तो ये करा रही है एजेंसी एनटीए, एनटीए परीक्षा के साथ समझिएगा कि पेपर कोई भी हो, 200 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, 60-70% क्वेश्चन वही होंगे, वही कॉमन क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आज तक पूछे आते चले गए हैं। ये 60-70% वही जानकारी होगी जो आसान और कॉमन जानकारी है, जो बहुत ही सिंपल जानकारी है, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते।
होता क्या है कि आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो, आपको आसान वाला जो लगता है उसे इग्नोर कर देते हो, जो क्वेश्चन टफ होता है या कोई पेपर देखा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, अरे यार ये क्वेश्चन पूछ लेता, अरे यार ये किस किताब से, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप दुनिया भर के 10 किताबें पलट डालते हो, 10 सोर्स ढूंढ डालते हो, ये नहीं समझ पाते हो कि भाई वो आपके आपको एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन रखा गया था, आपको सेलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन बच्चा इससे लेता है, कॉमन क्वेश्चन से लेता है, जो वो 85% नंबर बच्चा पा रहा था ना उसका ये मजबूत था, उसका ये 30% न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चन मजबूत नहीं थे, ये उस पे दिमाग नहीं लगाया, वो तो इतना कर लिया, उधर से जो पाया वो बटोल लिया, वो 85% पहुंच गया, आप इधर दिमाग लगाए हो मेरे भाई, कहां से हो जाएगा सिलेक्शन, ये बात आपको समझना है। तो ये जो कॉमन चीजें ये कहां से प्राप्त होंगी, अब मैं आपको समझाता हूं। इस कॉमन चीजों को पाने के लिए हमारे पास एक क्रक्स होना चाहिए, एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हमारे लिए एकदम सारगर्भित हो, चीजें एनालिसिस हो बहुत ज्यादा कि भाई इस परीक्षा में ये पूछा गया तो यहां से कुछ कंटेंट उठा लो, इस परीक्षा में ये पूछा गया यहां से कंटेंट उठा लो, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिठा दो, उसके बाद बच्चों को वो दो जो उन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगे और एग्जैक्टली वहां पे फंसा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इतना करंट करा दिया, 5 महीने में डेली 200 क्वेश्चन करा दिया, 5000 क्वेश्चन करा दिया, सारे करंट मेरे में आ गए। आप पीटी की परीक्षा में जाओ देखो, मुश्किल से 5 क्लासेस ले आऊंगा और 5 क्लास में मैं पूरे दोनों शिफ्ट के 20 में से एग्जैक्टली कम से कम 15+ क्वेश्चन करा दिया। और एग्जैक्टली 15+ क्यों करा पाया, क्योंकि मैं अप्रैल मई जून जुलाई केवल करा पाया था, अप्रैल और मार्च में कराया नहीं, तो जो कराया नहीं मैं आपको क्लास में कहां से करा दूंगा, मैं नहीं फंसा पाया भाई, जब मैं आपको पढ़ाया नहीं तो नहीं फंसा पाया। लोग बोलते 5000 क्वेश्चन आपको कराएंगे और उसके बाद बोलेंगे मैंने 20 क्वेश्चन फंसा दिया, अरे इतने ज्यादा काबिल होना भाई, 100 क्वेश्चन दो 20 क्वेश्चन फंसा दो, मैं समझूंगा कि आपकी रणनीति बहुत अच्छी है, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, आपकी टीम R&D पे वर्क करती है, रिसर्च डेवलपमेंट करती है, रात के 2 बजे रिसर्च करती है बच्चों के लिए, मैं समझूंगा आप करते हो, 5000 में 20 क्वेश्चन कोई मतलब नहीं होता है, ये एक अलग की बातें हैं, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हम बोल रहे हैं कि एक क्रक्स आपको चाहिए, एक क्रक्स मटेरियल आपको चाहिए जो होना चाहिए, जिसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी आपके पास 1.5-2 महीना आप करने बैठ जाओगे तो एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, आपका रिसर्च में ही चला जाएगा। तो आपको वो सोर्स ढूंढना है जहां पे आपको ये चीजें पहले से मिलती चली हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं, ये जो 60-70% क्वेश्चन है ना, ये NTA द्वारा कराए गए विभिन्न एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन ही होंगे जो ये 60-70% कवर करेगा। और आप अगर 10% से 20% भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर लिए, एक वैकेंसी एक पोस्ट आपकी होगी, ये आपको तैयारी करना है, ये आपके दिमाग की परिपक्वता होनी चाहिए। आपको सिलेबस तो देखना है लेकिन आपको ये NTA को अच्छे से समझना है, ये इन परीक्षाओं को समझना है। अभी आप PET की परीक्षा देखें, यकीन मानिए PET में इंग्लिश के दोनों चारों के चारों पैसेज प्रीवियस ईयर NDA के उससे हैं। एक आपका इससे नोएडा मेट्रो से उठा लिया था पैसे सुबह वाली शिफ्ट में, एक आपका किससे उठा लिया था, CDS से उठा लिया था, एक NDA से उठा लिया था, एग्जैक्टली कोई सेंटेंस भी नहीं बदला है मेरे भाई, क्यों बदलेगा यार, उसके पास इतना समय थोड़ी है, एक तो समय कम है, कहां से ले आएगा टीम, कहां से नए क्वेश्चन फ्रेम करवाएगा, नए पैसे थोड़ी बनाएगा, पागल थोड़ी। और गलत हो गया तो गलतियां भी तो उसे नहीं करना है, एक्यूरेसी तो मेंटेन करना है, तो वो क्या करेगा, प्रीवियस उठाएगा। तो आपको भी यही समझना है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई जो होना है वो यहां से आएगा, यहां से उठ के आएगा, वही कॉमन सी इंफॉर्मेशन है। आपको इतिहास पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा पढ़ने नहीं जाना है कि ले आए हम बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, ले आए हम स्पेक्ट्रम मोटी सी किताब पढ़ रहे हैं, आप पता लगे राज्य व्यवस्था पढ़ने लगे, ले आए हम लक्ष्मीकांत उठा के पढ़, अरे पागल हो गए क्या, 1.5 महीने में लक्ष्मीकांत खत्म कर पाओगे, समझ पाओगे उसे, कुछ नहीं हो पाएगा। उनके लिए ठीक है फ्रेश जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो भी 1-1.5 महीने में लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने जाते, अपने नोट्स पढ़ते हैं, क्रक्स चीजें पढ़ते हैं, जो वहाँ पे फिल्टर्ड होती कंसाइज मैटर पढ़ते हैं और वहां से उनका सिलेक्शन होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो एक आपके पास मैच्योरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले आप चीजों को समझो मतलब कंप्रहेंड करो, ठीक है ना, चीजें कहां से हो सकती है, कंप्रहेंशन में क्या आ जाता है, कंप्रहेंड करने का मतलब ये हो गया आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके दिमाग की मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए कि आखिर जो एजेंसी कराने जा रही है वो प्रश्न कहां से बना सकता है। आपको भविष्य सोचना चाहिए कि अगर कोई परीक्षा में पेपर सेट कर रहा है तो पेपर सेट करने वाला कहां तक सोच सकता है, कहां तक वो सोच सकता है, ये सोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी। हम लोग बताएंगे पूरे आपको एक एक कोर्स में, एक एक क्लास में बहुत अच्छे से, मैं तो आपके बीच में हमेशा डेली बेसिस पे आता रहूंगा, आपको रणनीति बताता रहूंगा, विषयवार रणनीति बताएंगे, प्रश्नगत रणनीति बताएंगे, टेस्ट में आपकी रणनीति साझा करेंगे, हम लोग पूरे टॉपिक में करेंगे, क्लासेस में सारी रणनीति की बहुत एक एक चप्पे चप्पे पे आपको समझाऊंगा, बेटा ये करना है ये नहीं करना है, वो बात
एक डिफरेंट है, लेकिन आपको अपनी तरफ से कंप्रहेंशन करना है। कंप्रहेंशन करने के बाद आपको अपने दिमाग में इसके फैक्ट्स को बिठाना है ना, लर्निंग मोड में आना है। ये आपके स्टेबिलिटी अपने दिमाग में रखनी है। और तीसरा क्या करना है, आपको इसको एग्जीक्यूशन लेवल पे करना है, एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अपने आपको जांचना है, टेस्टिंग करना है, खुद का करना है। ये आपके तीन फेज होने चाहिए। तीनों फेज आप करोगे कैसे, इसके लिए सबसे सही होता है कि आप वीडियो लेसन्स क्या मतलब से क्लास में बोलूंगा है ना, सबसे सही होता है कि आप उससे क्लास, इन द सेंस आपका कोई सीनियर है जो आपको प्रॉपर समय दे पाए, या आपका कोई टीचर है, या आप किसी संस्था से जुड़े हो, या आप किसी कोचिंग से जुड़े हो, डिफरेंट थिंग, वो मेरे से जुड़ो किसी से जुड़ो, मैं मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस आपको इतना कहूंगा, जहां से भी जुड़ो वो संस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसके टीम बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा दिमाग होना चाहिए टीम के बंदों का, और उनकी एनालिसिस R&D बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस आप उस टीम से जुड़ जाओ जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। फैक्ट्स लर्निंग इसका मतलब उसका नोट्स, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, और बहुत ही फिल्टर्ड, बहुत ही एक्यूरेट, गुणवत्ता से भरा होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए। और आपका फिर टेस्ट सीरीज, ये आपका होता है टेस्ट सीरीज। और ये तीन फेज में हम लोग यहाँ पे चीजों को बोलते हैं, और यही आपकी रणनीति है। आप चीजों को समझो, पढ़ो, क्या है क्या नहीं है, कहाँ गलती करनी है, कहाँ गलती नहीं करनी है, कौन से तरीके से आप गलत रास्ते पे जा सकते हो, कौन से तरीके से आप सही रास्ते पे जा सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। फिर जब आप क्लास कर लेते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, फिर आप नोट्स पढ़ते हो। जब नोट्स पढ़ते हो तो ये फेज होता है कि जो चीज़ आप क्लास में पढ़ के आए हो उसे आप अपने, और नोट्स कभी भी PDF, आजकल के बच्चों की सबसे गंदी आदत है मोबाइल से पढ़ना, PDF से पढ़ना, मेरे भाई वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल लर्निंग कहलाती है ये। वोलेटाइल लर्निंग मतलब कि आप PDF से पढ़ोगे, नथिंग इज गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, कुछ भी आपके ट्यूशन में नहीं जाएगा, सब कुछ आपका इधर पढ़ोगे इधर से निकलता चला जाएगा। वोलेटाइल कंटेंट आप केवल अपने दिमाग में डाल लो, और जब परीक्षा का कंफ्यूज रहोगे, बाद में चिल्लाओगे, अम्मा अम्मा करोगे, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत फैक्ट बात बोल रहा हूं, और यही बात सत्य है। जब बच्चे परीक्षा देके आते हैं, और आपके साथ भी, आप भी परीक्षा दियोगे तो आप भी समझोगे जो मैं बात बोल रहा हूं एकदम एग्जैक्टली सही बोल रहा हूं। तो आपको इसे प्रिंट कराना है, कोई भी कंटेंट पाओ, कोई भी अच्छा कंसाइज मैटर पाओ, किसी भी संस्था का हो, परीक्षा प्लस का हो, या किसी भी संस्था का हो, आप उसे प्रिंट कराकर मल्टीपल टाइम पढ़ो, दो से तीन बार उसे पढ़ो, कम से कम 2 से 3 बार। एक बार में कुछ नहीं होता मेरे भाई, एक बार आप किसी लड़की को भी कुछ बोलने जाओगे ना तो वो भी कोई नहीं करेगी, पीछे लग जाओ तब मानेगी। बस आपको यही समझना है कि 2-3 बार कम से कम नोट्स को पढ़ना है, फिर आपके दिमाग में बैठेगी। और उसके बाद सबसे लास्ट जरूरी है, आपको एक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही वर्सटिलिटी के साथ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो आपको यहाँ पे करना है। और यही आपको आपके प्रिपरेशन की सही दिशा बना सकती है। खुद से समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बोलूंगा, 1,000-1,500 रुपये कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता। कोई अगर आपकी संस्था अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ से जुड़ सकते हो, आपको अच्छा लगता है, ट्रस्ट है आपका, ले अच्छा रिजल्ट देती आ रही है, आपके साथ मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, तो आप जुड़ सकते हो, नो डाउट, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ आप परीक्षा, मैं तो यही बोलूंगा भाई कि परीक्षा प्लस से जुड़ो एग्जैक्टली, क्योंकि दिन रात तो मेहनत करने वाली टीम ही है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, खैर 2 मिनट आपका समय ले जाऊंगा। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज आपका बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। एक एक आप PT में हमारी ज़्यादा टेस्ट सीरीज कराई गई है, एक पेपर उठा लो और एक पेपर आप देखोगे ना, समझ में आ जाएगा कि टेस्ट सीरीज बोलती है, ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर आपको उसका व्याख्यात्मक हल करवा रहा है। प्रश्न इतने गजब लेवल के होते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट फंसते हैं, वर्ड टू वर्ड फंसते हैं। ये परीक्षा प्लस की गुणवत्ता है। तो आपको अपने से करोगे, समय ज़्यादा नहीं है, समय ज़्यादा जाएगा, किसी सीनियर को, किसी टीचर को, किसी संस्था को पकड़िए, लेकिन वो अपने आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिलेबस पे बैलेंस आपको मेहनत करनी है, कंसाइज मैटर, ये सब कुछ करने है। बाकी सारी चीजें हम लोग एक अलग से रणनीति देखेंगे, उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन आज विशेषकर मैं आपको बता दिया हूं 3-4 चीजें क्या क्या, फिर से अब मैं यहां पे बोल दे रहा हूं। सिलेबस मेरिट का ध्यान रखना है, बुक्स मार्केट में नहीं लेनी है, पेपर एनालिसिस करना है, बैलेंस स्टडी करना है, कॉम्पिटिशन को समझना है, NTA को समझना है, टाइपिंग मस्ट है, यह ध्यान दीजिएगा, आज ही से आप टाइपिंग पे प्रैक्टिस करते रहो बेटा, वरना 180 नहीं 200 सही करके आओगे ना, और टाइपिंग गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी बर्बाद है, ऐसा समझ लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर टाइपिंग नहीं निकला तो आपकी कॉपी नहीं चेक होनी है, ये बात समझिएगा। टाइपिंग इस बार टाइपिंग आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं करवा रहा है, आपको एलिमिनेट करने के लिए करवा रहा है, तो आप उससे ज्यादा प्रोफेशनल बनो, उससे ज्यादा प्रो बनो ना, उसका बाप बनो ना, कि आप पहले से टाइपिंग सीखते चले चलो, वो कैसे आपको एलिमिनेट कर देगा, जो यहाँ पे लापरवाही करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसका मतलब यही था कि भाई क्यों हम उस परीक्षा में परेशानी दे बच्चों को, क्यों हम अपनी टीम को दे, इससे अच्छा जो टाइपिंग निकाल पाता है सॉफ्टवेयर बता देगा, सॉफ्टवेयर ही बच्चे को छांट देगा, उसकी कॉपी मत चेक करो, हमारे पास ऑलरेडी कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, उसी में से छांट लो, मेरिट भी अच्छी आ जाएगी।
तो मेरिट, क्योंकि टाइपिंग साथ है, ध्यान दीजिएगा, 140-50 जो भी मेरिट जाती थी, मे बी ये मेरिट कम हो, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो 150 करने वाला बच्चा है वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो टाइपिंग भी सीख लेता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। प्लस मैं यही कहना चाहूँ कि टॉपर को एक बार हमेशा ध्यान में रखते चलो। तो ये आपकी एक समरी है जो आपकी प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करनी है। अगर आप इस प्रिपरेशन को टीम परीक्षा प्लस के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत ही कंप्रेहेंसिव कोर्स ला रही, जितनी बातें मैं बोला हूँ ये सारे गुण इस टीम में, मैं खुद इस संस्था को इसलिए चला रहा हूं ताकि मैं आप लोगों के लिए अपने दिन रात को रो पाऊं। इस संस्था को खड़ा करने का मेरा मकसद यही था कि जो इधर मार्केट में लुटेरे बैठे हैं, जो लोग ऐसे हैं ना कि बस भटकाओ, कि दिन में 10 क्लासेस 12 क्लासेस, अरे भाई 15 घंटे 12 घंटे मैराथन करवा रहे हो, बच्चे की जान ले रहे हो क्या? मतलब यूट्यूब से पढ़ने से कोई हो जाएगा, किताबों से पढ़ो भाई, किताबों से अच्छा दोस्त आपका आज तक ना कोई हुआ है ना जिंदगी में होगा, यकीन मानना यही सत्य है और यही परम सत्य और यही सत्य रहेगा, ये बात भी सही है। अभी जुड़ना चाहते हो तो इसमें 40% ऑफ चल रहा है, 999 की प्राइस है फुल कोर्स में, ये कट के आपको कितने में 599 मिल रहा है। मैं बता दूं क्या क्या मिल रहा है, सारे नोट्स, नोट्स की गुणवत्ता सारे कंसाइज बहुत अच्छे हैं, आप सब डेमो लगाए देख सकते हो, 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं और लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, ये पूरा नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सभी क्लासेस होंगे, टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे, इसकी व्याख्यात्मक हल्की पीडीएफ दी जाएगी, पीडीएफ में ही स्ट्रेटेजी जाएगी, प्रश्नगत रणनीति दी जाएगी, विषय वाली रणनीति दी जाएगी, यही नहीं आपको ई बुक दिए जाएंगे, अभी मैं ई बुक का कवर नहीं लेके आया हूं, वो आपको दिखाता, सारे जो कंसाइज मटेरियल किताबों की तरह वो आपको दिए जाएंगे, और इसके अलावा आपको क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आपको खुद से इतना नोट्स बनाने की दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सुझाव दूंगा अगर आप क्लास जुड़ते हो तो अपने नोट्स भी साथ में पॉइंट बनाते चलो, क्योंकि वो आपको लास्ट टाइम में क्विक रिविजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। और अंतिम क्षणयुद्ध रणनीति और पेपर सॉल्विंग की हम लोग बताते हैं, तो पेपर में बताते रहते हैं, लेकिन इसमें एक और विशेषता ये है कि हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू आप लोगों की रणनीति साझा करते रहते हैं, आप और हम जुड़ जाते हैं। एक बात मैं सीधा बोलता हूँ, या अगर केवल टेस्ट सीरीज भी आपको जोड़ना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, है ना, ये आपका विषय है, देखना होगा देखिएगा, नहीं देखना होगा नहीं देखिएगा, बस ये है, आप अपने आप को समझ लीजिएगा। हाँ, मैं ये कहना जा रहा था कि अगर आप टीम के साथ जुड़ते हो, है ना, जब आप जूम मीटिंग करते हो, हम लोग का क्या है, जब आपके साथ मेहनत करते हैं तो बहुत दिल खोल के मेहनत करते हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो, चाहे सुबह हो रही हो, चाहे शाम हो रही हो, हम ये नहीं देखते, और मैं बहुत खुले दावे के साथ अभी ये आपका विश्वास है, आपका प्रेम है, और शायद हमारी टीम की मेहनत है जो आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा करती है कि अभी हमने कोर्स निकाला नहीं और सैकड़ों की संख्या में उसमें एडमिशन हो गया, हम बच्चों को केवल जवाब देते फिर रहे कि आपका कोर्स इस तारीख से चलेगा, आपका कोर्स इस तारीख से चल रहा है, मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा है कि इधर पीटी का एग्जाम साथ में चल रहा था, पेपर हो रहा था, बच्चों को एनालिसिस करना था, मैं उनको समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन लिटरली कल से, आज तारीख है 26-27 तारीख से मैं खुद आ जाऊंगा और आप लोगों को सारी क्लासेस प्रॉपर दे लूंगा, पूरी टीम लगा दूंगा कि अब अलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी युद्ध स्तर पर करवानी है, उन सैकड़ों बच्चों का विश्वास है। और मैं ये एक बात और भी बोल रहा हूं, अगर आपको टीम से इस मकसद से जुड़ना होगा कि पैसा जमा कर दे और उसके बाद मस्ती करे तो नहीं, मेहनत करना होगा, दिल खोल के मेहनत करना होगा, दम लगा के पलंग तोड़ मेहनत करनी होगी तो जुड़ना, वरना मैं आपको बता दे रहा हूं साहब, बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी एएसआई में करीबन 780 बच्चे जुड़े हुए हैं, 20 बच्चों को निकाल चुका हूं जिनके परफॉर्मेंस बुरे थे, मैं अपना टैग नहीं खराब करूंगा कि मेरे पास अगर 500-700 लड़के हैं तो मैं अपना परसेंटेज वैल्यू सिलेक्शन का कम करवा लूं, नहीं, उससे अच्छा है मैं फीस आपको सीधा रिटर्न करूंगा, पोलाइटली रिटर्न करूंगा, हाथ जोड़ के रिटर्न करूंगा, भैया आप जाओ जहां देख लो, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, मैं लाख आपको समझा रहा हूं, मैं लाख बोल रहा हूं कि प्रिंट निकाल के पढ़ो, आप मस्ती कर रहे हो, आप कमेंटबाजी कर रहे हो, तो आपसे नहीं हो पाएगा, मैं डायरेक्ट फीस वापस कर दूंगा। जुड़ते हो ये आपका है, खुद का है, लेकिन टीम बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, केवल और केवल ना यहां पे हम कोई बहकने वाली बात करेंगे, ना ही आपको कभी बहकाएंगे, ना ही हमें व्यूज के पीछे दौड़ना होता है, ये बात आप टीम परीक्षा पास के अच्छे समझते हो, और इसीलिए फीस भी बहुत न्यूनतम रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोई धंधा नहीं करना है, ये केवल इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होती है कि बस बच्चों को लिए जितना लग रहा है लगातारी बेचारे टाइपिस्ट हैं वो हैं उनको दे दिया जाए, बाकी हमारी कोई सेवा जो सेवा निःशुल्क ही रह जाए। तो अगर आप जुड़ते हो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, हम लोग कोर्स में मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों जो जुड़ चुके हैं उनको मैं यहाँ पर बता दूँ कि कल से मैं आपको सब कुछ
स्टार्ट कर दूंगा, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। और ये जो इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन हैं इसके लिए तो सीधा एनडीए सीडीएस एसएससी ये तीन एग्जाम केवल छान डालो, आपके 50 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। और कहीं ही छान डालना है, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो वोकैब्स हो चाहे ग्रामर पोर्शन हो मैं खुद आपको अलग से पढ़ा दूंगा। मैं संडे संडे में पढ़ा दूंगा, 3-3 घंटे की क्लास पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं खुद आपको पढ़ाने आऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है एकदम, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि आपकी ये जो एक यात्रा शुरू होने जा रही है बहुत ही मंगलमय हो और आप लोग अंततः सिलेक्शन लेके ही फिर घर वापस आए। बहुत बहुत आभार आपका। एक बात जरूर कि जो नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अन्य बच्चों के बीच में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।